हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज 20 नवंबर 2019 के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा एक चैनल और है, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्टैटिक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए हम लोग आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दार्जिलिंग की ग्रीन और वाइट चाय का GI टैग किस राज्य को मिला है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये मिला है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, बात की जाए चाय की, तो इंटरनेशनल चाय डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। चाय के उत्पादन में फर्स्ट रैंक किसकी आती है? ये आती है चाइना की। सेकंड रैंक आती है भारत की। ठीक है, बात की जाए चाइना की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? ये है शंघाई। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है असम में। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ के कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल यानी राजधानी है कोलकाता। यहाँ की CM कौन है? ममता बनर्जी जी। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेना है। और मैंने बताया आपको इंटरनेशनल चाय डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं शहरी गतिशीलता सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एसेसिबल टू लाइबल सिटी। इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पाटिल। और मैंने बताया कि कैपिटल क्या है? लखनऊ। और पॉपुलेशन के मामले में UP फर्स्ट रैंक पर आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। और एरिया वाइज बात की जाए तो राजस्थान का रैंक आता है, यानी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस 2019 कब मनाया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो ये मनाया गया है 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर को ये मनाया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है 19 नवंबर को ही इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये विश्व शौचालय दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू यॉर्क में है। ठीक है, और UN डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है इस क्वेश्चन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला निशानीबाजी प्रतियोगिता 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है श्रेयसी सिंह ने, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड। राजेश्वरी ने सिल्वर जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और प्रगति दुबे ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है किसने? ब्राज़ील ने। ठीक है, आपको ब्राज़ील से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ है। और आपको ये भी याद रख लेना है, जो नेक्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा रशिया में। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जो कि मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। देखिए, इस बार का हुआ है ब्राज़ील में, तो नेक्स्ट बार कहाँ पर होगा? रशिया में, उसके बाद होगा इंडिया में, फिर चाइना में, देन साउथ अफ्रीका में। देखिए, ब्रिक्स की बात आती है तो आपको ये ध्यान देना है, पहले ये ब्रिक था, उसके बाद लास्ट में कौन सा देश जुड़ गया? साउथ अफ्रीका, तो ये हो गया है ब्रिक्स। और ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील की बात आती है तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ का वहीं का ये देश है ब्राज़ील। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेना है। ठीक है, बात की जाए अंडर 17 फीफा जो पुरुष विश्व कप 2019 को, तो ब्राज़ील ने जीता है। अगली बार ये होगा कहाँ? ये होगा अगली बार पेरू में। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा मान्यता टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला पहला देश बना है कौन? तो ये कौन सा देश बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना है पाकिस्तान। बात की जाए
पाकिस्तान की तो एशिया कॉन्टिनेंट का देश है पाकिस्तान, इंडिया का नेबर है पाकिस्तान, और यहाँ की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने BMEWMP कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रदेश में की है? ठीक है, तो ये कहाँ पे की है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ये की है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनका विभाजन कब हुआ? अभी 31 अक्टूबर को ये लोग अलग अलग क्या हो गए हैं? ये लोग अलग अलग हो गए हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की कैपिटल क्या है? राजधानी है लेह। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश सिंह मुर्मू। और लेह के जो क्या है उपराज्यपाल, ये है राधा किशन माथुर। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इससे तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में है। ठीक है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी कब बने, डेट आपको याद कर लेनी है 31 अक्टूबर को। ठीक है, देखिए जुकाम की वजह से वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 6वीं AD MP+ बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये किया गया है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में देश है थाईलैंड, वहाँ पे बैंकॉक में ये हुआ है बैठक। ठीक है, तो इन इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन किया है? तो ये किए हैं राजनाथ सिंह, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो लास्ट मैंने कहा था आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में सांस अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मेरा एक चैनल और है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होते रहते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।